वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 2 में देखिए, इस क्वेश्चन को करने में जो आपको ट्रिक लगने वाली है वो क्या है, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो ये कैसा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये मान लीजिए ए हो गया और ये मान लीजिए हमारा बी हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स मीन्स ए, तो यहां पे ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 4 और यहां पे हो जाएगी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बस सॉल्व, आपका जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। जीरो प्रोडक्ट रूल मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इधर 4 और माइनस 4। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या थी, ट्रिक इसकी थी x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करने के लिए, और उसमें ये कि ये भी ट्रिक था कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दो ट्रिक थी, आपको ये दो ट्रिक पता है तो यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ ए क्वेश्चन।